जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या सभा में उपस्थित भारत के आए हुए सब प्रतिनिधि, आज मुझे खुशी है कि पूरे भारत के स्टेट से ज़्यादा प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। कल हम बैठ के सही किया, 200 क्रियाशील कार्यकर्ताओं ने एक मत से निर्णय लिया है, वो निर्णय में बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास के बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूँ। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में गए तो उनके रिक्त जगह पे एन शिवराज साहब को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनाया गया। एन शिवराज जी के बाद में जब उनका देहांत हुआ तब कर्मवीर दादा साहब गायकवाड़ इनका चुनाव हुआ। दादा साहब गायकवाड़ इनके बाद गवई साहब का चुनाव हुआ और पूना में रेस्कोस के अंदर जो अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में मैं खुद निर्वाचन अधिकारी था और अठावले साहब का एक मत से अध्यक्ष पद के लिए मैंने घोषणा की थी। मुझे आज खुशी है कि अध्यक्ष पद के लिए रामदास जी अठावले साहब का दोबारा अध्यक्ष एक मत से चुन के आने का यहाँ पर मैं घोषित करता हूँ।